नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम दीपक भाई साहब के साथ आए हुए हैं राधेपुर गौशाला, जो छतरपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर राजनगर कच्ची रोड पर स्थित है, जो राधेपुर गांव में स्थित होने के कारण इस गौ का शाला का नाम है राधेपुर गौशाला। बहुत ही रमणीय सुरभि गाय यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आपको गौ माता के दर्शन कराते हैं। हमारे दीपक भाई साहब इस समय गौ सेवा कर रहे हैं, साथ में गौ माता का गोबर उठा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि होली का समय आने वाला है और घर में होली जो बरूला बनाए जाते हैं उसके लिए गोबर उठा रहे हैं। और गौ माता देखिए कितना सुंदर शाम का मौसम है, और यहाँ पर माता भूसा अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं। देखिए कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, हम इस समय पर खड़े हुए हैं राधेपुर गौशाला, जो राजनगर कच्चे रोड पर छतरपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी सुंदर सुरभि गौशाला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। माता गौ माता यहाँ पर भूसा अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं, और देखिएगा इस समय पर शाम का वक्त है और गौ माता टहल रही हैं, कुछ यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रही हैं। सामने यह देख सकते हैं कि यह गौ माता के पानी पीने की यह चिरई, इसको चिरई बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इसको ये बहुत बड़ी होदी है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और गौ माता यहाँ पर पानी ग्रहण करती हैं। और हमारे दीपक भाई साहब निरंतर गौ का गोबर ले रहे हैं और घर ले जाएंगे और बरूला बनाएंगे, और आगामी होली के दिन यहाँ पर घर की छोटी होली जलाई जाएगी। तो दोस्तों आप गौ माता के चरणों में साष्टांग नमन। गौ माता शाम को संध्या बेला पर आ चुकी हैं और भोजन ग्रहण कर रही हैं। आपको दिखा रहे हैं कि वह जहां पर भूसा डाला गया है यहां पर वह पहुंच चुकी हैं और भोजन ग्रहण कर रही हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गौ माता आ चुकी हैं और घूम कर आई हैं। सुबह इनको छोड़ दिया जाता है, दिन भर वह चरती हैं और शाम को गौशाला लौट आती हैं। कितना सुंदर आज का अनुभव रहा दोस्तों शाम को समय पर, और हम हैं समय राधेपुर गौशाला। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ दीपक भाई साहब आए हुए हैं और बहुत अच्छे गौ सेवक हैं, सराफा व्यापारी हैं, बजरिया में उनकी सोने चांदी की दुकान है। तो उनसे जानना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं राधेपुर गौशाला में आकर के। गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, हम सभी लोगों को मिलकर गायों की सेवा करनी चाहिए, गायों को बचाना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, और
बहुत अच्छा लगा आपके साथ राधेपुर गौशाला आकर के, और आप इसी प्रकार हमको यहाँ पर घुमाते रहें। हम इसी प्रकार आपके साथ छतरपुर के रमणीय स्थानों पर जाएंगे और सभी दोस्तों को इस प्रकार की वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों आज आपको राधेपुर गौशाला में घूमकर आनंद आ गया होगा। आपने देखा कितनी सैकड़ों गाय आई और सुबह जो छोड़ी गई थी शाम को आई हैं और यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रही हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को जय गौ माता की, भारत माता की जय, गौ माता की जय। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।